सो गाइज, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम रील वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। आप में से काफ़ी सारे लोग एक दिन में 2, 3, 4, 5 इस तरीके से रील अपलोड कर देते हैं एंड कभी कभी नहीं करते, पूरे दिन एक भी रील अपलोड नहीं करते। तो अगर आपने भी इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे रील अपलोड कर दी बट आपको रिस्पॉन्स अच्छा देखने के लिए नहीं मिला, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रील वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। और मैंने एक रील डाला था जब मैंने बाइक का डिलीवरी लिया था, तो उस वीडियो पे इतने सारे व्यूज क्यों गए एंड बाकी वीडियो पे उतने ज्यादा व्यूज क्यों नहीं आते, उसका भी आपको तरीका बताऊंगा कि इतने ज्यादा व्यूज वीडियो पर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। तो बने रहो वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जनरल कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो मैं आपको वीडियो अपलोड करने का सही तरीका तो बता दूंगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा। आपको हैशटैग्स वगैरह कैसे लगाने हैं, कैप्शन में आपको क्या लिखना है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको जो बातें बताऊंगा उनको ध्यान से सुनना। तो आपको रील अपलोड करना तो आता ही होगा, प्लस के निशान पर क्लिक करके आपको रील पर क्लिक करना है, देन आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है। आप जो वीडियो अपलोड करना चाहते हो या आपने लिपसिंग कर लिया वहीं के वहीं आप अपलोड करना चाहते हो, कैप्शन कैसे लिखना है उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं यहां से कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मैंने यहां पर ये वाला वीडियो सिलेक्ट कर लिया, ये 18 सेकंड का वीडियो है, ठीक है। तो उसके बाद वीडियो को ऐड कर लिया मैंने, ऐड करने के बाद क्या करना है, मैं उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक कर देता हूँ। प्रीव्यू पर मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे मैं जो म्यूजिक ऐड करना चाहता हूँ वो आसानी से कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। कोई भी म्यूजिक ऐड करने के लिए म्यूजिक पर क्लिक करो, उसके बाद जो कैमरा का ऑडियो है उसको आप डाउन कर सकते हो, जो इस वीडियो में साउंड आ रहा है उसको यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो, एंड जो आप यहाँ पे म्यूजिक ऐड करोगे उसका वॉल्यूम आप कितना रखना चाहते हो वो भी एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला सॉन्ग यूज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, तो उसके बाद मैंने डन पर क्लिक कर दिया। तो अब इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, जितना मुझे वॉल्यूम रखना है मैं उतना रख सकता हूँ। तो उसके बाद मैं इस वीडियो पर जाता हूँ, अगर इस वीडियो पर मेरे को कोई भी फिल्टर मारना है तो मैं यहाँ पे स्टार स्टार पर क्लिक करके जो फिल्टर मारना चाहूँ वो वाला फिल्टर मैं यहाँ पे मार सकता हूँ, वीडियो का और अच्छा क्वालिटी हो जाएगा, मतलब और अच्छा खिल सा गया वीडियो और नॉर्मल ऐसा आ रहा था एंड अब कलर से आ गए वीडियो में। जो आप फिल्टर मारना चाहो वो वाला फिल्टर आप यहाँ पे मार सकते हो, फिल्टर्स आपको काफी सारे मिल जाते हैं, तो मैं इसको भी नॉर्मल रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे कोई भी कैप्शन ऐड करना चाहो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेट फॉर एंड। इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर सस्पेंस बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं वो अपनी वीडियो पे लिखते हैं वेट फॉर एंड, तो आप वीडियो को एंड तक देखते हो एंड आपको कुछ भी नहीं मिलता और फिर आप कभी कभी कमेंट में गाली भी लिख देते हो। तो आपको एंड में ट्विस्ट रखना है या आप वीडियो के एंड में कुछ ऐसा स्पेशल करो कि लोग वीडियो को एंड तक देखें एंड वीडियो को उसके बाद दोबारा से देखें। मैं बताता हूं कैसे। कोई कोई वीडियो ऐसा होता है कि उस पर लिख देते हैं वेट फॉर एंड एंड वीडियो के एंड में कुछ छोटा सा दिखा देते हैं जिससे कि वीडियो को दोबारा देखना पड़ता है। उससे क्या होता है कि वॉच टाइम दोबारा दोबारा मिल जाता है, वीडियो को दो बार देखा जाता है। जब वीडियो को दो बार देखा जाएगा तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो वीडियो को ज्यादा रीच देता है, ज्यादा व्यूज देता है। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने रील पर एक वीडियो डाला था जब मैंने बाइक का डिलीवरी लिया था कि माँ बाप तो सब कुछ लेके देंगे लेकिन खुद के दम पर लेने की एक अलग ही मजा है, मतलब इस तरीके का वो रील था, इस तरीके का साउंड था। कोई भी नई चीज लेते हैं तो लोग देखते हैं, उस वीडियो को बार बार देखा गया, लोग मोटिवेट हुए, लोगों ने शेयर करा, सेव करा, लाइक करा, कमेंट करे, तो उससे क्या होता है कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि ये वीडियो बार बार देखा जा रहा है, तो इसलिए उस वीडियो को वायरल करा दिया जाता है। और जब वो वीडियो बार बार देखना कम हो जाता है तो उस वीडियो का रीच रुक जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो अब चलते हैं आगे। तो मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से कैप्शन लिख सकते हो, यहाँ पे जाकर आप स्टिकर्स वगैरह यूज कर सकते हो, जो भी आपको यूज करने हैं। मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट हुआ। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कवर की। आपकी प्रोफाइल पर कोई भी बंदा विजिट करता है वो आपकी रील्स पर जाएगा तो वो आपके कवर्स देखेगा कि कवर्स, जब आपके कवर्स अच्छे होंगे तो जिसमें कवर अच्छा होगा तो वहीं पर क्लिक कर देगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखो सोफिया अंसारी की आईडी पर विजिट करो एंड रील पे जाओ, वहां पे वीडियो कोई और होता है एंड कवर कोई और होता है, बिकॉज आपको इंस्टाग्राम ने एक ऑप्शन दिया है। जब आप कवर पर क्लिक करोगे, कवर पर क्लिक करने के बाद एड फ्रॉम गैलरी, तो आप गैलरी से भी कवर ऐड कर सकते हो। जो लोग आपकी इंस्टाग्राम आईडी पर विजिट करेंगे, रील्स पर जाएंगे, वहां पे जो फोटोज आएंगे, जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं वो अलग से रील के लिए कवर, जैसे आप इस वीडियो के थंबनेल देखा,
ऐसे ही रील पे भी आप कवर को थंबनेल समझो, कवर लगा सकते हो, समझ रहे हो ना। और आप ऐड फ्रॉम गैलरी पर कर सकते हो या यहाँ से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हो जहां से बढ़िया आता है। तो काफी सारे लोग करते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि अलग से गैलरी में सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से नॉर्मली अभी ये वाला कवर रख लेता हूँ, ये मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। उसके बाद मैंने डन पर क्लिक कर दिया। अब आपको एक और ऑप्शन मिलता है, क्रॉप प्रोफाइल इमेज। तो आपका वीडियो खाली आप रील में तो पोस्ट करोगे नहीं, वो प्रोफाइल में भी जाएगा, तो वहां पे कितना कितना आना चाहिए वो भी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो ऊपर नीचे करके। ये एडजस्ट आपको जरूर करना है। अगर आप ऊपर का सिलेक्ट करोगे नीचे का कुछ दिखेगा नहीं। तो मैं कवर दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कवर मैंने दोबारा से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने डन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यार ये कभी कभी इंस्टाग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कवर सिलेक्ट ही नहीं होता, तो अभी मेरे साथ सीन कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो मेरी बात को समझ लेना ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा सिलेक्ट करके देखता हूँ, मैंने डन पर क्लिक कर दिया, ओके डन हो गया। फिर ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा। मैं इसको एक काम करता हूँ, क्रॉप प्रोफाइल इमेज के बारे में आपको समझा देता हूँ। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जहां से आपको बेस्ट लगे वहां से आप यूज कर सकते हो। कोई बंदा आपके रील में नहीं जाता, पोस्ट में आता है, तो वहां पे ये आपका शो होगा ठीक है। इसके बाद आपको राइट का आइकन पर क्लिक कर देना है, देन आपको लोकेशन ऐड करना है। लोकेशन जब आप ऐड करते हो इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने किसी बड़े होटल का लोकेशन ऐड कर दिया, एंड उस होटल के जितने भी लोकेशन हैं उनमें आपका वीडियो चला जाएगा। कोई भी बंदा उस लोकेशन में घुसता है तो वहां पे आपका वीडियो शो होता है। तो आप कोई भी लोकेशन लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, या आप जहां पर हो वहां का लोकेशन भी लगा सकते हो। तो मैं स्पीति वैली गया था, ये जो वीडियो है मेरा स्पीति वैली का है, तो मैंने स्पीति वैली लोकेशन लगा दिया। कोई इस लोकेशन पे विजिट करेगा तो तुम्हारे भाई का वीडियो भी वहां पे जाएगा। एंड उसके बाद राइट कैप्शन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जन्नत, मतलब ये जगह बहुत खूबसूरत थी, यहाँ पे मैंने जन्नत लिख दिया। एंड उसके बाद मैं नीचे लिख देता हूँ वेट फॉर एंड, एंड यहाँ पे दो तीन मोस्ट पॉपुलर हैशटैग मैं आपको बताता हूँ। हैश लगाकर आपको लिखना है इंस्टा गुड, पहले तो इंस्टाग्रामर्स लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है इंस्टा गुड। और आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारे लोग ये वाला हैशटैग यूज करते हैं। एंड यहाँ पे आपको लिखना है इंस्टा रील, और आपको कुछ हैशटैग ऐसे यूज करने हैं जो आपकी वीडियो से रिलेटेड हो। लाइक मैंने यहाँ पे स्पीति विंटर्स, मैं अपनी बाइक का नाम डाल देता हूँ RR 310 मैंने यहाँ पे डाल दिया हैशटैग लगाकर, अपाचे यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो दो तीन पॉपुलर हैशटैग हैं लाइक इंस्टागुड, इंस्टाग्रामर्स, इंस्टाग्राम रील्स, तो ये दो तीन हैशटैग आप यूज करके बाकी अपनी वीडियो से रिलेटेड हैशटैग लगाया करो। कोई बंदा हैशटैग में विजिट करेगा तो आपका वीडियो भी वहां पे शो होगा, समझ रहे हो ना। और आप इसको नीचे कर सकते हो हैशटैग को कुछ इस तरीके से। तो अब चलते हैं आगे की ओर। उसके बाद आपको बस शेयर पर क्लिक कर देना है, आपका वीडियो पोस्ट हो जाएगा। मैं इसको अभी ड्राफ्ट में सेव कर लेता हूं। तो अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं कि मेरी इस वीडियो पर 581,000 व्यूज कैसा है। उससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था ये वाला, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने दोबारा से वीडियो डाला, बिकॉज वो वीडियो में मजा ही नहीं आया था, एंड सेम वीडियो मैंने दोबारा डाला, तो उसके बाद मेरे को मिले 581,000 व्यूज। बिकॉज इस वीडियो के मैं आपको इनसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं आ चुका इसके एनालिटिक्स पे। इस वीडियो पे आपको दिखाता हूँ व्यूज देखो, लाइक्स देखो, एंड यहाँ पे शेयर्स देखो, 2326 शेयर एंड 2877 लोगों ने इस वीडियो को सेव भी किया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस वीडियो को लोग बार बार देखते हैं वो वीडियो आपका रैंक जरूर करता है। वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको क्या करना है। जब आप वीडियो को अपलोड कर देते हो उसके बाद आप उसको स्टोरी पे शेयर करो, स्टोरी पे शेयर करके वहां पे लिखो न्यू रील, उसके बाद देखो वेट फॉर एंड, कुछ इस तरीके से लिखा करो जिससे कि लोग उस वीडियो को देखे जाकर आपकी प्रोफाइल पर देखें या वहां पर क्लिक करके आपकी स्टोरी पर क्लिक करके तब आपकी रील को देखें। मतलब कैसे भी करके आपको विजिट करवाना है। और आप अगर अपने दोस्त के फोन में अपनी रील को देखते हो, देखकर हटाओ मत, उसको 2 से 4 बार देख लिया करो, समझ रहे हो ना मेरी बात, जिससे कि आपको वॉच टाइम मिले और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को फिर ऐसा लगता है कि हाँ भाई इस वीडियो को बार बार देखा जा रहा है, कुछ तो खास है, तो आपकी वीडियो पे ज्यादा इंप्रेशंस कराता है, ज्यादा व्यूज कराता है। और आपको वीडियो अपलोड करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है, आपको आपका वीडियो अच्छा लग रहा है या बस ऐसे ही फोकट में डाल रहे हो। आपको अपना वीडियो खुद भी अच्छा लगना चाहिए, तभी उस वीडियो को इंस्टाग्राम रील पर अपलोड करो, तभी आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा। और आपका कोई भी वीडियो वायरल हुआ होगा ना, उसमें कुछ तो खास होगा, या तो लोग देखकर हंसे होंगे या कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कुछ ना कुछ उनको मजा आया होगा, तभी उन्होंने आपका वीडियो
वो वीडियो पे ज्यादा व्यूज आए। अब ऐसा नहीं होता कि इंस्टाग्राम किसी भी वीडियो को वायरल कर देता है, जो गंदा वीडियो होता है उस पे भी मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं, बिकॉज बार बार वीडियो को देखा जाता है। अब कुछ इंस्टाग्राम पर लड़कियां ये इस तरीके के वीडियोस बनाती हैं, उनको बार बार देखा जाता है, तभी तो उनको मिलियंस में व्यूज मिलते हैं। और देखता कौन है? आप लोग देखते हो, और कौन देखेगा? और कुछ लोग नहीं भी देखते। आई होप आपको रील वीडियो अपलोड करने का सही तरीका पता चल गया होगा। तो अगर इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, या आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इंस्टाग्राम रील पर, आप मेरे पास कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड बाय।